दोस्तों, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यदि जो कोई मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाए और लहू ना पिए उसमें जीवन नहीं। तो क्या ये बात ज़रूरी है, ये यीशु मसीह का लहू और मांस खाना क्या हमारे लिए ज़रूरी है? अगर हम मांस और लहू को नहीं खाते हैं तो क्या होता है? दोस्तों, बहुत सारे इस वचन को सुनकर समझ नहीं पाते यीशु मसीह ने ये किस विषय में कहा। जब यीशु मसीह कह रहे थे तो यहूदी लोग भी भटक चुके थे और वो लोग क्रोध करने लगे थे, और बहुत सारे जो प्रभु के पीछे चल रहे थे उन्होंने भी प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया था। दोस्तों, इस समय अगर आप इस वचन को नहीं समझ पा रहे तो आप यह समझ में है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यह विषय क्या है, क्या हमें मांस खाना ज़रूरी है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि यीशु मसीह का जो वचन है वो सत्य है। अगर सत्य है तो हम कितना समझ चुके हैं। अगर अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को, इस वचन को समझने के लिए अंत तक ज़रूर देखें। तो आइए हम देखें इस वीडियो को। यू आर वॉचिंग टू गॉड चैनल, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर अपडेट मोर वीडियोस। तो उस समय जो यहूदी लोग थे वो लोग इस बात को देखकर कि यीशु मसीह ने कहा जो कोई मनुष्य के पुत्र का मांस नहीं खाता और ना लहू पीता है उसमें जीवन नहीं, तो सच में वहाँ पर जो यहूदी थे वो क्रोधित हुए, और जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते थे उन्होंने भी अपना रास्ता चुन लिया, वो उल्टे फिर गए। तो आइए दोस्तों, हम देखें इस विषय को, समझें। तो इस समय मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हम इस समय देखने जा रहे हैं योना की रचित सुसमाचार, उसकी पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 50 वचन अगर हम देखें, और वहाँ से आगे हम 53 तक देखने जा रहे हैं। तो आइए हम दोस्तों इस विषय को हम देखें। तो योना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 50 वचन यह कहता है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। तो आगे हम जब कवन में देखते हैं, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरती मैं हूँ, यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के लिए, जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, और यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार यीशु मसीह अपने आप के विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाए तो उसमें जीवन नहीं। तो इस बात से क्या मतलब है? क्यों, क्या यीशु मसीह अपना मांस उन लोगों को खिलाना चाहता था? वो लोग इस बात को सुनकर हैरान हो गए, इस बात को सुनकर क्रोधित हो गए। तो अगर हम उससे पहले देखें दोस्तों, तो वहां पर हम जब देखते हैं 6 अध्याय में, तो वहां पर यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया, और वो जो भोजन खिलाया था उस भोजन को खिलाने के कारण बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पीछे चलना चाह रहे थे और ढूंढ रहे थे कि हमारा प्रभु कहाँ है, और वो खोजने लगे यीशु मसीह कहाँ चला गया। और जब यीशु मसीह ने देखा कि वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उनको एक सच्ची रोटी के विषय में कहा, क्योंकि जो यीशु मसीह ने दिया था उस रोटी को खाकर वो दोबारा भूखे हो चुके थे। और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, जो मूसा ने दी थी उस रोटी को खाकर तो वो नष्ट हो गए, तुम्हारे पुरखों लोग नष्ट हो गए, लेकिन जो मैं देता हूँ उसे खाकर तुम कभी ना मरोगे। तो यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। तो क्या सच में यीशु मसीह जीवन की रोटी है? क्या यीशु मसीह का मांस और लहू खाने से हमें जीवन मिलेगा? हम इस बात को देखेंगे। तो मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, सच में यीशु मसीह का जो वो मांस है वो खाने के योग्य है, और यीशु मसीह का जो लहू है वो पीने के योग्य है। तो वो कैसे है, हम इस समय यहाँ पर देखने जा रहे हैं। अगर हम योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 1 वचन पढ़े, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। तो यहाँ पर आदि में वचन था कहा गया है, और वचन कौन था? वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और यहाँ पर जो वचन है वो एक बात को दर्शाता है कि जो परमेश्वर का वचन है वो जीवन है, और वहाँ पर ये आदि में था, ये शुरुआत से था और वो परमेश्वर के साथ था। अगर हम उसके 1 अध्याय का 14 वचन पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई के से परिपूर्ण होकर अपने बीच में हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की। तो यहाँ पर हम जब देखते हैं तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया गया है कि वचन कौन था, परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। और वहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि सच में उस वचन ने देह धारण कर लिया। तो यहाँ पर देखें, जो देह धारण करने वाला कौन है? वचन है। और यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि जो स्वर्ग से उतरती है वो रोटी मैं हूँ, और यीशु मसीह कहता है, जो मुझ में से खाता वो कभी भूखा नहीं होता, और ना जो मुझ में से पीता कभी वो प्यासा
नहीं होता। तो दोस्तों यही था जिसको हमें समझना था, यीशु मसीह जो आदि में परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था और वो देह को धारण करके जगत में आया, और असल में अगर हम उसको देखें तो वो वचन है जो देह धारण किया हुआ है। अब हमें उस परमेश्वर के वचन को खाना है। यीशु मसीह इस विषय में कह रहे थे लेकिन उन्होंने उस विषय को गलत समझा, यीशु मसीह के विषय को गलत समझा, क्योंकि यीशु मसीह अगर हम वहाँ पर देखें तो दोस्तों जब हम वहाँ से आगे हम जब देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यीशु मसीह जब इस विषय को कह रहे थे, इस विषय को कहने के बाद यीशु मसीह ने जब 6 अध्याय उसके आगे अगर हम देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया, और यीशु मसीह ने कहा 62 वचन में, यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी हैं। तो दोस्तों यीशु मसीह जो बातें बता रहे थे वो आत्मिक थी, और वो वचन था जो हमें जीवन दे सकता था, और वो वचन जिसने देह धारण किया था वो यीशु मसीह था, और यीशु मसीह इस वचन के विषय में कह रहा था, और जो कोई भी परमेश्वर और यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई तब भी यीशु मसीह ने एक बात को कहा कि सच में मनुष्य केवल भोजन से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के उन वचनों से जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहता है। तो वो जीवित किससे रहेंगे? वचन से। वचन कौन है? यीशु मसीह। और हमें किसको ग्रहण करना है? वचन को। वचन कौन है? यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह को ग्रहण करना है, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम उसके मांस को और उसके लहू को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और उसमें जीवन है। तो दोस्तों यीशु मसीह का जो कहने का अर्थ था वो आत्मिक था, लेकिन वो आत्मिक बातें वो लोग नहीं समझ पाए जो अपनी शारीरिक आंखों से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने उस यीशु मसीह की बात को शारीरिक आंखों से देखा ना कि आत्मिक आंखों से। लेकिन जब बाद में हम जब देखते हैं वहाँ से आगे जब हम देखते हैं तो चेलों में हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कहता है इस पर उसके चेलों में से बहुत उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। यहाँ पर 6 अध्याय उसका 66 वचन में बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर उल्टे फिर गए, क्योंकि वो शारीरिक रीति से प्रभु के पीछे चल रहे थे, वो चाहते थे कि परमेश्वर उनको रोटी देता रहे, खाते रहे, तृप्त होते रहे, लेकिन उन्हें आत्मिक रोटी की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो वहाँ पर वो सब लोग उल्टे फिरे जब यीशु मसीह ने आत्मिक रोटी के विषय में कहा। तो जब वहाँ से आगे हम जब देखें तो यीशु मसीह ने भी यहां पर एक सवाल अपने चेलों से पूछा, तब यीशु ने उन 12 से कहा क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु हम किसके पास जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। तो भाइयों यहां पर पतरस की आत्मिक आंखों ने यीशु मसीह को पहचान लिया, जान लिया कि यीशु मसीह सच में यीशु मसीह के वचन के द्वारा जिंदा रहते हैं। तो जीवन की बातें यीशु मसीह के ही पास है, लेकिन जिन्होंने शारीरिक रूप से यीशु मसीह को देखा वो चले गए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे यीशु मसीह ने क्यों कहा। यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि सच में वो वचन था, और वचन ने देह धारण किया था, और प्रभु यही कहना चाहते थे जो कोई मेरे बिना हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीवित नहीं रह सकते, और ये उसका। अब मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यदि आप चाहते हैं कि मेरी नई वीडियो जल्दी से जल्दी आए तो आप कमेंट पर लिखिए। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह।